का आमदार कैसा हो? समीर बाबू कैसा हो? अरे कमाल, अरे कमाल, समीर बाबू का पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दर्शकों, पूरे राज्य में विधानसभा का महाबिगुल बज चुका है। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली यादी घोषित की है प्रत्याशियों की, और बात की जाए खास तौर पर हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निरंतर तीसरी बार विधायक समीर मेघे इन्हें उम्मीदवारी दी गई है। हमारे साथ मौजूद है हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विद्यमान विधायक समीर जी मेघे। आपको निरंतर तीसरी बार उम्मीदवारी दी गई है, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह साहब, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय बावन कुड़े साहब का मैं मनपूर्वक आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे जो काम है, जो लोगों से संपर्क है, वो देख के उन्होंने मुझे तीसरे बार इस विधानसभा में मुझे संधि उपलब्ध करके दी है। मैं उन सभी का मनपूर्वक आभार मानता हूँ। हिंगना मतदार संघ के सभी लोगों का मैं आभार मानता हूँ। उनके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार टिकट मिली है, और समस्त बीजेपी का जो हमारा परिवार है, उन सबका मैं आभार मानता हूँ। जिस प्रकार से पिछली जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन के चुनाव में देखा गया था, आपके ही एक समय के निकटवर्ती थे, आपके ही एक वरिष्ठ को आपने हजारों वोटों से हराया था, इस बार क्या लक्ष्य रखा है? नहीं, निश्चित ही हम कभी लक्ष्य रखते नहीं है, लक्ष्य सिर्फ जीतने का रहता है। बाकी लोग हैं हमारे पीछे, आशीर्वाद है लोगों का, और उससे भी बड़ी जीत इस बार निश्चित है। सियासी गलियारों में बीच में एक चर्चा चल रही थी, विपक्ष ने आप पर आरोप लगाया था कि जो है मतदाता सूची में हेरा फेरी करने के बाद जो है आपने चुनाव जीता है, क्या ये जैसे संविधान बदलेंगे ऐसा झूठ जब लोकसभा में लोगों ने, महाविकास आघाड़ी के लोगों ने फैलाया था, वो सक्सेसफुल हुआ। मगर इस बार ये जो झूठ उन्होंने फैलाया कि सूची में बहुत बोगस नाम है, ये कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी उनको वो कोर्ट में केस डिसमिस हुई, उसमें कोई तथ्य प्राप्त नहीं हुआ। जो वोटर्स है वो यहीं के वोटर्स है, और ये सब झूठ बोल के उन्होंने प्रचार का शुरू किया था। मगर वो मैं उनका ही आभार मानता हूँ कि वो उच्च न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय ने वो कोर्ट वो केस खारिज कर दी गई। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में देखा गया है, लोकसभा चुनाव का नैरेटिव देखा गया, तो हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जितने संभाव्य वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए उतने नहीं मिले, क्योंकि जो है हिंगना विधानसभा की निर्मिति से लेकर तो अभी तक हिंगना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पहला विधायक भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंगना को दिया है, फिर भी लोकसभा में वोट कम, इसका कुछ असर विधानसभा में पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में संविधान का मुद्दा, एक झूठ फैलाने का काम महाविकास आघाड़ी ने किया था, और वो लोगों को समझ गया है कि संविधान कोई बदल नहीं सकता और ना कभी बदलेगा, और ये झूठ के भरोसे विधानसभा में हम लोग पीछे रह गए। मगर पिछले 5-6 महीने से, जब से लोकसभा का चुनाव आया, हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लोगों में हमने जो ये झूठ था वो झूठ निकाल दिया उनके दिमाग में, और निश्चित ही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस बड़े पैमाने में जुड़े हैं, और इसका आपको निर्णय 23 नवंबर को दिखेगा। आखिरी एवं काफ़ी मुख्य सवाल, जिस प्रकार से आपको उम्मीदवारी जाहिर हुई है और वो संभाव्य ही थी, सभी के मन में यही था कि जो है इस बार भी आपको ही उम्मीदवारी मिलेगी, प्रचार किस प्रकार से चल रहा है? निश्चित ही अभी गाँव टू गाँव, हर गांव में जाना, हर हमारे इंसान से मिलना, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना, उनसे समझना, उनसे बात करके उनको प्रचार में एक्टिव करना, यही हमारा अभी प्रयास रहने वाला है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बात की हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे जी, इनसे जो है निरंतर तीसरी बार उन्हें जो है यहाँ से उम्मीदवारी दी गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम चलाया था, जो अकार्यक्षम जो है विधायक उनकी टिकट काटी गई है, कई बड़े लोगों को घर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन उसी तौर पर जो है बहुचर्चित हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से और एक बार जो है विधायक समीर मेघे को टिकट दी गई है, काफ़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी जो है गांव गांव से कार्यकर्ता आए हैं, समीर मेघे इनसे मिल रहे हैं, सभी जो है जिला लेवल के, विभाग लेवल के, सभी स्तर के यहां कार्यकर्ता आए हैं, और जो है समीर मेघे इन्हें उम्मीदवारी मिलने के बाद काफ़ी खुशी यहाँ व्यक्त की जा रही है। तो दर्शकों, निरंतर तीसरी बार जो है समीर मेघे इन्हें उम्मीदवारी मिली है हिंगना निर्वाचन क्षेत्र से। इस वक्त जो है खास पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है विशाल भोसले जी, क्या बताना चाहेंगे? तीसरी बार जो है समीर भाऊ को टिकट मिली है, क्या कार्यकर्ताओं में जोश है? शायद 2014 से तो आज तक का जो कार्यकाल समीर भाऊ का रहा वो बेहद ही स्फूर्तिदायक रहा,
और हर काम में समीर बाबू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो विकास काम हो, किसी की मदद करना हो, हॉस्पिटल का काम हो, एजुकेशन में हो, हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र समीर बाबू के हाथ से छूटा नहीं कि जहाँ पे उन्होंने हिंगना विधानसभा की जनता की मदद की नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज दो बार वो अच्छे मतों से चुन किया है, इस बार भी सभी मतदारों का, जनता का प्रेम उन्हें वापस और हिंगना विधानसभा में प्रति खींच लाया। और तीसरी बार पार्टी हाईकमांड ने, सभी नेताओं, पार्टी हाईकमांड में जितने बीजेपी के हैं सभी ने उनको तीसरी बार ये जो अवसर दिया है, सही में उसका एक अच्छा रूप प्राप्त होकर तीसरी बार विधानसभा में भारी बहुमत से समीर बाबू चुन के आएंगे और आगे जनता का काम करते रहेंगे। दर्शकों, एक जो है प्रबल दावेदारी के पीछे प्रबल कार्यकर्ता भी होते हैं, प्रबल जो है पदाधिकारी भी होते हैं। हमारे साथ विनोद ठाकरे जी मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे आप? जो है तीसरी बार समीर बाबू को टिकट मिली है, किस प्रकार का उल्लास है कार्यकर्ताओं में, जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर, गाँव स्तर पर? समीर बाबू को जो तीसरी बार दावेदारी मिली है वो उनके मेरिट्स पे मिली है, उनके डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पे मिली है, उन्होंने सर्वांगीण विकास क्षेत्र में हाथ डाला है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता उनसे निराश नहीं है, किसी भी एक सिंगल कार्यकर्ता उनके काम से मतलब निराश नहीं है। उसके वजह से हर कार्यकर्ता में अति उत्साह है और अति उत्साह के साथ हर कार्यकर्ता उनको तीसरी बार जो है वो पिछले दो बार के चुनाव से ज़्यादा लीड से चुन के लाएंगे, इतना कार्यकर्ता में उत्साह है और वो जारी रहेगा। जब 23 नवंबर को आपको इसके नतीजे आपको पता चलेंगे। तो दर्शकों, हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी बहुचर्चित है, काफ़ी समस्याएं यहाँ पे है, काफ़ी बड़ी सियासत यहाँ से है। बोला जाता है हिंगना निर्वाचन क्षेत्र की जो है पूरी सियासत हिंगना क्षेत्र से आती है, और ये हिंगना तालुका के ही पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास जताया ये तो देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि 23 नवंबर को किस प्रकार के नतीजे आते हैं। दर्शकों, हमारे साथ और एक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद है, नरेंद्र जी वाघ, क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार का उत्साह है हिंगना निर्वाचन क्षेत्र में? और एक बार जो है रणधुमाड़ी बच चुकी है, रणशिंग फूक चुका है विधानसभा, हमारे लिए सिर्फ अभी गुलाल लगाना बाकी है। जो साहब ने पिछले 10 साल में जो काम किए, पिछले 50 साल में काम नहीं हुए हैं, और उस काम के बलबूते हमारे यहाँ के सामान्य जनता, किसान, युवा, महिला वर्ग उनको भारी बहुमतों से चुन के देने जा रही है, और हमारे लिए हमारे साहब चुन के आ गए हैं। इसका जो है पूरा असर 23 तारीख को ही दिखेगा कि किसका प्रचार कितने जोरों पर था और किस प्रकार के नतीजे आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र TU24 नागपुर। मोटे ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी तूच माय माऊली, तूच माय राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा। तू गं हे कुठून आणलं? आणला साडी पण, वाह छान दिसते की। हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला, आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली, आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे। बर, राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।